अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को लेकर धार देनी शुरू कर दी है। अल्मोड़ा में कांग्रेस आगामी 28 नवंबर को बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें अल्मोड़ा जिले की सभी 6 विधानसभाओं के करीब 4 से 5 हजार कार्यकर्ता जुटेंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। बैठक में सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि सभी 6 विधानसभाओं के प्रत्येक बूथ से लेकर बीएलओ, बूथ अध्यक्ष और महामंत्री के साथ सभी फ्रंटल दल इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अल्मोड़ा में जो है 28 तारीख को 6 विधानसभाओं का जिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसी को लेकर आज हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है, क्योंकि वो सम्मेलन हमारा लगभग 4,000 लोगों का जो सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, क्योंकि जो हमारा सम्मेलन है उस हमारे बूथ के बीएलओ और बूथ का अध्यक्ष और बूथ का जो हमारे जिला बूथ का जो हमारे महामंत्री है वो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी जिला कार्यकारिणी और तमाम जो हमारे फ्रंटल के संगठन है वो सब इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो लगभग 4 से 5 हजार लोगों के बीच का सम्मेलन अल्मोड़ा जिले में आयोजित किया जा रहा है, अल्मोड़ा शहर के अंदर आयोजित किया जा रहा है, जो पूरी 6 विधानसभाएं हैं हमारी उसका एक संयुक्त रूप का सम्मेलन जो है अल्मोड़ा विधानसभा किया जा रहा है। इसी को लेकर जो है आज बैठक यहाँ आयोजित की जा रही है।